सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ इस तरह का कलर टोन फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ से पिकचैट ऐप को यूज करते हुए। आप लोग तो लाइट रूम ऐप से देखा है, आज मैं आपको दिखाऊंगा पिकचैट ऐप से। अगर आपको भी पिकचैट से कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। तो गाइस, चले जाओ बात के बिना आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो फोटो है इसे आपको पिकचैट ऐप के अंदर इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपके इधर टूल्स में आपको क्लिक करना है, एडजस्ट में आपको चला जाना है, और आपको क्या करना है, सैचुरेशन वाला ऑप्शन में आके इसे आपको एकदम माइनस कर देना है। अभी क्या करना है, आपके इस इरेज वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपके इसे इरेज में क्लिक करना है, और इसका जो हार्डनेस है, हार्डनेस को हम लोग रखेंगे 85 के आसपास दोस्तों। अभी इसे कुछ इस तरह से जूम कर देना है दोस्तों। जूम करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको स्किन के ऊपर इरेज कर लेना है, ओनली आपको स्किन के ऊपर इरेज कर लेना है। तो मैं जल्दी स्किन के ऊपर इरेज कर लेता हूँ, वरना वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो दोस्तों, मैं इरेज कर लिया। अभी क्या करना है, ऊपर आपको सिंपली राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको फिर से इस कॉर्नर में राइट में आपको क्लिक कर देना है। अभी क्या करना है, ऊपर टूल्स में आपको क्लिक करके आपको आपको कर्व वाला टूल्स में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके इधर कलर वाला ऑप्शन रहेगा, इसमें क्लिक करना है। अभी इधर रेड, ग्रीन और आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे रेड वाला कलर में। ये जो ऊपर का पॉइंट देख रहे हो, आपको क्या करना है, इसे आपको एकदम नीचे लेके आना है। अभी ऊपर इरेज में आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अभी सिंपली इरेज में आ जाना, ये जो हार्डनेस है इसे आपको रखना है 85 के आसपास। फोटो को कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको फिर से आपको स्किन के ऊपर कुछ इस तरह से आपको इरेज कर लेना है। तो आप लोग जल्दबाजी में इरेज मत करना, वरना इधर उधर हो जाएगा, उसके बाद आपका फोटो आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे मैं जल्दी स्किन के ऊपर इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। सो दोस्तों, मैं इरेज कर लिया। अभी क्या करें, सिंपल आपको ऊपर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके फिर से आपको राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल आ जाना आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में। उसके बाद आपको नीचे कलर वाला ऑप्शन शो होता है, इसमें क्लिक कर देना है, और आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना है। कलर रेंज वाला ऑप्शन शो होता है, इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद इधर सर्कल देख रहे हो, सर्कल को आपको बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाना है। अभी क्या करना है, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये जो रिप्लेस यू देख रहे हो, अब जो कलर को इधर ऐड करना चाहते हो उस कलर को आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इधर कुछ इस तरह से ये वाला कलर को मैं ऐड करूँगा, तो इसे मैं 198 के आसपास में से रख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी सिंपल ऊपर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों, ये सेटिंग जो है आपके फोटो के फेस के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको स्किन में गोरा लेके आना है, आपको ये वाला सेटिंग को अप्लाई करना है। तो मैं थोड़ा सा गोरा लेके आऊँगा स्किन में, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आ जाना है टूल्स वाला ऑप्शन में दोस्तों। उसके बाद आपको एडजस्ट में आ जाना है। तो ब्राइटनेस को जो है, आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए फेस में उतना आपको इधर ब्राइटनेस ऐड करना है। तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 9 के आसपास रख देता हूँ दोस्तों। सैचुरेशन का भी डिक्रीज कर देना है दोस्तों। तो डिक्रीज करके मैं इधर क्या करूँगा, -10 पे रख दूँगा दोस्तों। अभी हाईलाइट में आना है, हाईलाइट को आप जितना इंक्रीज करोगे ना, स्किन उतना गोरा हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो। मैं थोड़ा सा गोरा करूँगा, क्योंकि मेरा स्किन ऑलरेडी थोड़ा सा गोरा है दोस्तों। अभी क्या करना है, सिंपल आपको इरेज में आ जाना है। अभी सिंपल आपको इरेज में आ जाना है दोस्तों। इसके जो हार्डनेस है हम लोग रखेंगे 85। साइज़ को आप खुद के हिसाब से रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको क्या, फोटो को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। आपको लिप को छोड़ कर आपको कुछ इस तरह से बाकी पार्ट को कुछ इस तरह से आपको इरेज कर लेना है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्किन गोरा हो रहा है। तो कुछ इसी तरह से मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके स्किन को मैं गोरा कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैं स्किन को गोरा कर लिया हूँ दोस्तों। अभी सिंपल ऊपर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके फिर से आपको राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी क्या करना है, आ जाना इफेक्ट वाला टूल्स में, एक विग्नेट का जो है इफेक्ट ऐड करेंगे। तो आ जाना इफेक्ट वाला टूल्स में दोस्तों, कुछ इस तरह से लास्ट में आ जाना विग्नेट में, आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करके SPRT लिखा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। अभी इसका जो साइज है, साइज को रखना है 79, और इसका जो फेड है, फेड को हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 85 पे रख देना है। अभी सिंपल राइट में क्लिक कर देना है। अभी फोटो में डार्कनेस आ चुका है दोस्तों, अभी बहुत ही मस्त लगेगा। अभी क्या करना है, कुछ PNG ऐड करना है दोस्तों। तो सिंपल आ जाना ऐड फोटो में,
और आप किस बटरफ्लाई वाला इस पेंजी को सिलेक्ट करके ऐड में क्लिक कर देना। अब इसका जो ब्लेंडिंग मूड है चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, स्किन का लेना है। अभी खुद की हिसाब से एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। अभी क्या करना है, इसे आपको जो एडजस्ट में आ जाना है दोस्तों, एडजस्ट माने का इसका जो कलर भी चेंज कर सकते हो, ह्यू में जाना है कुछ इस तरह से, आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये वाला कलर रख देता हूँ। अभी सिंपली क्या करना है, राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, फिर से राइट में क्लिक कर देना। अभी फिर से ऐड फोटो में क्लिक करके आपको और एक पेनजी को सिलेक्ट करके सिंपली ऐड में क्लिक कर देना है। इस पेनजी को फुल स्किन कर लेना है दोस्तों। अभी क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके स्किन कर देना है। अब इरेज में जाना है दोस्तों, इरेज को आपको कुछ इस तरह से इनक्रीज करके 90 पर रख देना, और आपको स्किन के ऊपर जो आ चुका है ना, ये जो डॉट डॉट रिगा है, इसे आपको कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है दोस्तों। तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली राइट में क्लिक कर देना, फिर से राइट में क्लिक कर देना। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपका फोटो एकदम बन के डे चाहिए दोस्तों। आप लोग देख ही सकते हो कितना मस्त लग रहा है मेरा बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आपकी सेव करना है, सिंपल आपकी इस ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने मिले। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।